हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आज की भर्ती में आपको बहुत ही अच्छा अपडेट हम बताने वाले हैं। एक और जो नई भर्ती है वो हरियाणा के अंदर शुरू हो चुकी है। बैंक के अंदर नौकरी पाओ जल्द से जल्द। अगर कोई भी बैंक के अंदर लगना चाह रहा है तो बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भर लेना। हरियाणा से कोई भी भाई और बहन इस फॉर्म को भर सकता है। हरियाणा से अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को सुन पा रही है, देख पा रही है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जॉब आज के दिन हम लेकर आए हैं। मेरी बहनों के लिए जो भी जॉब आती है, आंगनबाड़ी विभाग हो गया, हेल्थ विभाग हो गया, कोर्ट की भर्ती हो गया, स्कूल कॉलेज के टीचर्स की भर्ती हो गई और बैंक की जॉब हो गई, इस प्रकार की जो भी जॉब आती है पूरे हरियाणा में सबसे पहले आपको बताई जाती है। तो आज की जो जॉब्स रहने वाली है, कॉर्पोरेटिव बैंक है। जो आपने हरियाणा में आपने देखा होगा कॉर्पोरेटिव जो बैंक होते हैं, जिसमें खाद बीज भंडार वाले जो बैंक होते हैं, जहां पर सरकारी नौकरी वाले जो कैंडिडेट बैठते हैं, वही बैंक आप सभी सोच पा रहे होंगे। पीएनबी हो गया, सर्व हरियाणा हो गया, ये जो आपके मनी लॉन्ड्री वाले बैंक होते हैं जहां पर पैसे का लेन देन होता है। परंतु कॉर्पोरेटिव बैंक में पैसे का भी लेन देन होता है और वहां पर खाद बीज भी वहां पर मिलता है। तो उस वाले बैंक में आपके गांव के अंदर भी होगा कॉर्पोरेटिव बैंक। जो बड़े बड़े थोड़े से जनसंख्या वाले गांव होते हैं, सब में कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं। तो आपके गांव के अंदर जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक होंगे उनके अंदर ये जॉब आई है। कहां कहां पर ये जॉब आई है मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। पूरे हरियाणा से कोई भी भाई और बहन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मेरी बहनों के लिए तो खासकर ये बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है। बैंक की जॉब आप सभी को पता है एक अपने आप में बहुत ही अच्छी जॉब रहती है। तो इसलिए जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू आपको बताए जाते हैं हर टाइम। सबसे पहले दोपहर सुबह शाम कोई भी भर्ती आएगी, सबसे पहले जानकारी पाने के लिए अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अगर कोई हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अगर आपको इसी भर्ती के रिगार्डिंग आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने कोई भर्ती ऐसी अप्लाई कर दी है जिसका फॉर्म आपने भर दिया, ना कोई उसका अपडेट मिल पा रहा है, ना कोई आपको ऑफ लेटर मिला है, आपको कुछ भी इश्यूज, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको समस्या हो, मुझे आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। भाई और बहनों, एक भी आपके भर्ती का अपडेट छूटने वाला नहीं है। अगर आपने कोई भर्ती का फॉर्म भर रखा है जिसका आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए जो भी फिलहाल प्रेजेंट में उस भर्ती का अपडेट चल रहा होगा, तुरंत आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आएंगे और तुरंत आपको बताया जाएगा कि आपके लिए इस प्रकार की भर्ती के रिक्रूटमेंट आ रखी है। वो हर टाइम सुबह से हम दोपहर कोई भी भर्ती आएगी, सीधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं कॉर्पोरेटिव बैंक का, कहां पर फॉर्म निकला है, किस प्रकार से भरना, एक बार आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। एक बार वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा पानीपत अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2023 के नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ चुका है, जिसका स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाला है, 21 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई रहने वाली है। अभी भी आपके पास में टाइम है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भाई और बहनों फॉर्म फिलअप कर लेना। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। अप्लीकेशन फी इस फॉर्म की 0 रुपए लगने वाली है, आपका एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। पानीपत जिले से जो भी भाई और बिलोंग करते हैं सभी अप्लाई कीजिए और आपके आंगनवाड़ी विभाग के जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे आपके जिले के अंदर सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी बहन कोई भी अप्लाई करना चाह रही है बिल्कुल आराम से कर सकती है। 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। पानीपत के अंदर ये जॉब आई है, पूरे हरियाणा से कोई भी भाई और बहन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अप्लाई के लिए आपको पता है कि सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। 18 से लेकर 42 साल वाले जो भी स्टूडेंट लगना चाह रहे हैं सभी अपना अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। एज में अगर आपको रिलेशन ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो वो भी आपको दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप अपना अप्लाई कीजिए। 18 से 42 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें पोस्टें कितनी आ रखी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कलरक की पोस्टें आ रखी है 5। भाई और बहनों, कलरक के लिए आपको 5 पोस्टों पर भर्ती किया जाएगा। गार्ड की और ड्राइवर की पोस्टें आ रखी है 3 पोस्टें। गार्ड और ड्राइवर की वहां पर पोस्टें ली जाएंगी 3। टोटल पोस्टें आ रखी है 8। 8 पोस्टों के ऊपर ये भर्ती होगी। बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि कलरक की पोस्ट के लिए आपके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। बीकॉम पास होना चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है 6 महीने का आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो आपका बीकॉम वाला का हो गया। एमबीए अगर किसने कर रखा है फाइनेंस साइड से, मार्केटिंग साइड से, तो वो भी भर सकता है। बीकॉम की हुई मेरी बहन काफी कर लेती है बीकॉम वगैरह ग्रेजुएट, तो सभी बहन जितने भी बीकॉम करके बैठी हुई है तो वो बिल्कुल आराम से ग्रेजुएट पास है और आराम से अपना फॉर्म भर सकती है 6 महीने का, जिसके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो भी आपको लगाना होगा। गार्ड के लिए और ड्राइवर के लिए केवल 8वीं पास होना चाहिए।
जिसके अंदर जो गार्ड लगेगा उसके पास में वेपन का लाइसेंस होना चाहिए और एक्स सर्विसमैन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, ड्राइवर की पोस्ट के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है या लाइट मोटर व्हीकल है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 8 पोस्टें आ रखी है, 3 पोस्टें ड्राइवर और गार्ड की है और 5 पोस्टें आपकी कलर की रहने वाली है। कॉरपोरेटिव बैंक के अंदर ये जॉब आई है। अगर मेरी बहन कोई भी पानीपत जिले के अंदर लगना चाह रही है तो बिल्कुल आराम से फॉर्म भर सकती है। फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो भी एक बार आप समझिए, फॉर्म किस प्रकार से फिलअप होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, मैं बता दूंगा। किसी भी साइबर कैफे से आप फॉर्म भी ले सकती है। अगर साइबर कैफे से आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। एप्लीकेशन के बाहर लिफाफे में लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया या आपके गार्ड हो गया, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ में आपको भेजना कहां पर होगा, कौन से एड्रेस पर फॉर्म है। द मैनेजिंग डायरेक्टर द अर्बन जो कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड है, जो ये नंबर डाल रखा है, ओम सिटी सेंटर जीटी रोड पानीपत, इस एड्रेस पर अपना फॉर्म है, या तो जाके जमा करवाइए या बाय डाक के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। भाई और बहनों, फॉर्म फिलअप करते समय सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, कोई गलती नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, किसी भी टाइप का कोई भी आपको इश्यूज नहीं मिलना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप पूछिए, बिल्कुल आराम से पूछिए। आपका कोई भी फॉर्म है वो गलत अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम बात करेंगे सैलरी आपको क्या दी जाती है। सैलरी के लिए आपको वेरियस पोस्ट के हिसाब से जो सैलरी मिलती है वो आपको दी जाएगी और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप खुद भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा भाई और बहनों, वहां से सैलरी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तो आपको पता है, थोड़ा हाँ रिटर्न एग्जाम होगा, नॉर्मल सा इंट्री होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। बाकी इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, रिटर्न एग्जाम होगा या नहीं होगा, आगे कोई भी अपडेट आएगा सीधी जानकारी आपको दे देंगे। परंतु अभी तक जिसने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और आगे जो भी भर्तियों के अपडेट आता है सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। भाई और बहनों, काफी भाई और मेरी बहन ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म देते हैं बाद को उनको अपडेट नहीं मिल पाता है, परंतु जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है उनको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती है। जो भी हम भर्तियों की जानकारी देते हैं उसके आखिरी तक अपडेट मिलते हैं। किसी भी टाइम कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। तो भाई और बहनों, आपको कौन सी भर्ती की अपडेट चाहिए, आपको कौन सी भर्ती में लगना है, आपको कौन सी भर्ती के अपडेट नहीं मिल पा रहे हैं, किस भर्ती से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम इश्यूज मिल रहे हैं तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं वहां पर जो भी अपडेट्स आ रहे होंगे सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। तो अभी तक जो भी भाई और बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुबह शाम दोपहर रात किसी भी टाइप कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। सभी भाई और बहन जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई और बहनों आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। जितना ज्यादा हो सकता है उतना लाइक कर दिया करो भाई और बहनों। वीडियो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है और अगली वीडियो जो भी लेकर आएंगे आपके लिए हर टाइम, जो भी हरियाणा में इंफॉर्मेशन आएंगे कोई भी भर्ती के, सबसे पहले आपको इसी टाइप से जानकारी मिलती रहेगी। और आंगनबाड़ी विभाग की जो भर्ती अभी रोक लगा दी गई है, स्थगित रखी है, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उनसे रिलेटेड आपको वो भी बताएंगे। और कोई भी क्वेश्चन रोजगार निगम की भर्ती आती है, ओपन लेटर आता है, कौन सी भर्ती का, सारी की सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो भाई और बहनों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।